subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन बांसुरी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम करने वाले हैं श्री चार्ल्स फ्लूट मेकर का ई बेस फ्लूट को अनबॉक्सिंग रिव्यू और उसका साउंड टेस्ट। तो चलिए आज इसे शुरू करते हैं। श्री चार्ल्स जी, इनका नाम मैंने कई फ्लूट ग्रुप्स में सुना था। मैंने इनका फ्लूट कभी बजाया नहीं है, वैसे बजाया नहीं था, और इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कॉल करके इन्होंने बोला कि मेरा एक फ्लूट आप ट्राई कीजिए। ई बेस उन्होंने भेजा, अपने तरफ से उन्होंने भेजा और बजाने के लिए बोला उन्होंने। तो मुझे जब फ्लूट रिसीव हुआ, मैंने बजाया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो उसका साउंड क्वालिटी है और उसका मेक भी बहुत पसंद आया, और उसके कम्फर्ट एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग जब अभी डिस्कस करेंगे। तो ये है ई बेस फ्लूट श्री चार्ल्स जी का। आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हैं, श्री चार्ल्स लिखा हुआ है। और अभी सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका अनबॉक्सिंग। में अभी बोलूँ तो इसमें अभी एक ऐसा केस में इन्होंने भेजा है, अभी ऐसा एक हैंडल विथ केयर और समथिंग लिखा हुआ है, ऐसा पीवीसी, एक बड़ा सा पीवीसी में इन्होंने भेजा है, ठीक है। और फिलहाल आई थिंक अभी फ़िलहाल केस नहीं दे रहे हैं, केस के साथ एक्स्ट्रा चार्ज होगा उनका। केस अगर आप ले रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, फिर वो आपको भेजेंगे। तो पहले साउंड देख लेते हैं। पहले ये मैंने ई बेस के फ्लूट में मैंने इसको ट्यून किया है, तानपुरा को। एकदम परफेक्ट पिच में है, मेरे पूरा पिच में वो आ रहा बहुत 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 अच्छा है, बहुत साउंड बहुत अच्छा लग रहा है। साउंड एकदम स्ट्रेट जा रहा है, कोई ऐसा थरथरावट या ऐसा कुछ नहीं हो रहा जब ब्लो कर रहे हैं। नॉर्मल मैं अगर स्वर बजाऊं सब सब स्वर पिच में आ रहा है पूरा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, साउंड का क्वालिटी जो है ये कहीं से भी कहीं भी जाने पे कोई स्वर का कोई इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आप सुन पा रहे हैं कितना अच्छा साउंड है, आप ट्यून में है।
इतना तो आपको पता चल गया कितना साउंड अच्छा है और बहुत कंफर्टेबली जा रहा है कहीं से भी कोई भी स्वर में। ये शुद्ध स्वर हो गए और अगर मैं कोमल स्वर बजाऊं तो अच्छा है, बहुत बहुत इसका बेस रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कोमल स्वर में भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। जनरली ये बेस फ्लूट्स में कोमल स्वर के नीचे के स्वर में बहुत फ्लूट बजते नहीं है सही से। कोमल स्वर में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये गमक अगर देखें तो बहुत बहुत इजी है। मींड बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कोई भी कुछ भी बजाओ तो बहुत बहुत स्मूथली जा रहे हैं सारे सुर, जो भी सुर जहाँ से मैं कहीं भी कुछ भी बजाऊं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। साउंड तो आपने देख लिया सारी चीज़ें जो भी उसमें यहाँ बजाने, जैसे मुर्की बजाऊँ
बहुत कंफर्ट है इसमें, और साउंड का मेजरली जो वॉर्म्थ आ रहा है, जो उसमें मज़ा आ रहा है साउंड, मुझे बहुत अच्छा लगा साउंड। और मेक जो है वो भी बहुत अच्छा लगा, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है अगर आप देखेंगे, बहुत इसमें बहुत बनाया गया अच्छी तरीके से, इसमें पूरा मतलब शाइनिंग आ रहा है इसमें क्वालिटी में। और जैसे मैंने बोला, आई थिंक उनका एक पैटर्न है गोल्ड कलर का, गोल्ड वो गोल्ड नहीं गोल्डन कलर ही गोल्डन कलर का इसमें थ्रेड्स देते हैं, उनका एक ब्रांड है और श्री चार्ल्स जी यहाँ पे उनका नाम एनग्रेव किया है उन्होंने। ये ब्लोइंग, जो ब्लोइंग होल है ये भी बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे। इसका जो मेक है, ये बांसुरी का जो बेसिकली जो क्वालिटी है वो भी, थिकनेस भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ब्लोइंग होल है, तीन तीन करके इन्होंने जो बनाया है मेरे लिए, आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे भी जो थिकनेस है इवन है, हर जगह पे इवन लगा मुझे। और बांसुरी पकड़ने भी बहुत लाइट है और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, कोई नेगेटिव बात मुझे नहीं दिखी अभी इसमें फ़िलहाल तो। और ये आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें उनका साइट का डिटेल्स मैं दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फ्लूट लेनी है तो। मेरा नाम बताइए, डिवाइन बांसुरी चैनल से मुझे चिरंजीव सर से मैंने बात किया एंड ऑल, और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। एक रेफरेंस उनको मिलना चाहिए कि हाँ मुझे जो कांटेक्ट किए हैं इस चैनल से आए हैं करके, तो आप वो चीज़ बता सकते हैं अपने इसमें। मैं उन्होंने मुझे एक जी बेस भी भेजा है, जी बेस फ्लूट, उसका भी मैं कभी टाइम मिले तो मैं रिव्यू करूँगा। तो ये फ्लूट तो मुझे बहुत पसंद आया। इसमें और एक ख़ास चीज़ है, मैंने उनको पा होल बनाने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिस्ट यूज़ करते हैं आजकल, मैं इसके लिए एक डिटेली अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। पा होल इज़ नॉट ईजी थिंग फॉर पीपल हु आर ओनली प्लेइंग नॉर्मल, जो कन्वेंशनल वे ऑफ प्लेइंग होता है जिसमें पा होल यूज़ नहीं होता है, उसमें और इसमें डिफरेंसेस हैं बहुत सारी, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो 6 होल्स है, इसके नीचे और एक होल ऐसा बनाया हुआ है जो कि माँ और पा का ट्रांजिशन जो है वो पा यहाँ से बच जाता है। तो बट उसके लिए मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। अगर आप ये छोटा सा, एकदम छोटा सा होल है यहाँ पर जैसे पा बचता है, इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा कैसे पा होल को कैसे बजाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शुड वी गो फॉर अ पा होल और नॉट, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है ये फ्लूट, इसमें थ्रेडिंग का भी कोई इशू नहीं है। और हाँ, और एक चीज़, श्री चार्ल्स जी, इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर हैं। मेरे साथ उनका वीडियो चैटिंग में बात हुआ और मुझे इतना अच्छा लगा उनका सुर जो बजाते हैं, वो इतने सुरीले बजाते हैं, जो तान लेते हैं और जो मुर्कियाँ और वो सब बजा रहे थे, एकदम प्रोफेशनल लेवल में वो बज रहा था। वो कई साउथ मूवीज़ में भी बजाए हैं आई थिंक, और बट अभी फ़िलहाल वो फ्लूट मेकिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना एक ब्रांड बना रहे हैं। तो थैंक्स श्री चार्ल्स जी मेरे को ये फ्लूट देने के लिए। पहली बात तो मुझे, मैं रेगुलरली अभी इसको बजाता भी हूँ कभी कभी, बहुत सारे फ्लूट्स हैं ईबीएस के और तीन चार हैं, उसको भी बजाते रहता हूँ, ये भी बजाते रहता हूँ। तो क्या, थैंक यू फॉर दिस। एंड एवरीवन हु वांट्स टू बाय द फ्लूट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उनका वेबसाइट है, उनका नंबर भी है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना मैंने ये फ्लूट वीडियो के लिए कोई, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ओके। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है।
तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको फ्लूट लेनी है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मुझे फ़ोन, मुझे मेल कीजिए, या आपको मुझसे अगर कुछ पूछनी है उसके बारे में तो मुझसे मेल कर सकते हैं, मैं भी अरेंज करवा सकता हूँ फ्लूट उनसे बात करके। अगर कोई इशू हो रहा है तो मुझे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं इसके बारे में भी। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, और एक वीडियो में मैं श्री चार्ल्स जी का जी बेस, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।